हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे न्यूट्रोफिल्स के बारे में। ये न्यूट्रोफिल्स क्या है, इसका क्या महत्व है तथा न्यूट्रोफिल्स की कमी से होने वाली डिजीज़, न्यूट्रोफिल्स की अधिकतम के होने के कारण और न्यूट्रोफिल्स का टेस्ट क्या है और न्यूट्रोफिल्स के उपचार कौन कौन से हैं। तो देखो, न्यूट्रोफिल्स वाइट ब्लड सेल्स का एक प्रकार है। न्यूट्रोफिल्स को हम लोग पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिकोसाइट या PMNS भी कहते हैं। न्यूट्रोफिल्स में न्यूक्लियस कंटेंट होते हैं जो कि न्यूक्लियस 2 to 5 लोब में डिवाइडेड होते हैं। न्यूट्रोफिल्स 12 से 14 माइक्रोमीटर, न्यूट्रोफिल्स की डायमीटर 12 से 14 माइक्रोमीटर होती है। न्यूट्रोफिल्स का निर्माण बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में बनने में इसको लगभग 4 से 6 दिन लगते हैं। न्यूट्रोफिल्स के निर्माण के बाद ये पूरे शरीर में 10 घंटे में फैल जाता है। न्यूट्रोफिल्स एक एडल्ट ह्यूमन में न्यूट्रोफिल्स की संख्या 4500 से 11000 पर मिलीमीटर क्यूब होनी चाहिए। न्यूट्रोफिल्स की संख्या हमारे शरीर में WBC का 50 से 70% तक होना चाहिए। न्यूट्रोफिल्स का निर्माण तो बोन मैरो में होता है और ये बोन मैरो से सारे टिश्यूज तक पहुंचकर अपने कार्यों को समाप्त करती है और यह कार्यों को समाप्त करके फिर लीवर और स्प्लीन में जाकर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो न्यूट्रोफिल्स का निर्माण बोन मैरो में होता है और इसकी मृत्यु लीवर और स्प्लीन में जाकर होती है। अब हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स के कार्य। तो न्यूट्रोफिल्स क्या करती है, हमारे बॉडीज़ के डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने का काम करती है, साथ ही साथ ये इन्फेक्शन से हमारे बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसके साथ साथ ये इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने का काम करती है, जैसे ब्लॉकिंग, डिजेबलिंग, डाइजेस्टिंग और वार्डिंग ऑफ इन्वेडिंग पार्टिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन सबों में न्यूट्रोफिल्स एक अपना अलग ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ये न्यूट्रोफिल्स जो होती है, ये ब्लड में विकसित और परिपक्व WBC में पाए जाने वाली होती है। तो ये WBC हमारे शरीर को संक्रमण से बचाने का काम करती ही हैं। साथ में ये कुछ हानिकारक जीवों, संक्रामक जीवों और वायरस से आक्रमण कर इसे नष्ट करने का काम करती है। अब इसकी टेस्ट की बात करते हैं, इसकी जांच की। तो इसकी जांच ANC एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल्स काउंसिल के द्वारा होती है। नॉर्मल शरीर में नॉर्मल न्यूट्रोफिल्स की संख्या 1500 तक होनी चाहिए। यदि न्यूट्रोफिल्स की संख्या 8000 से ऊपर चली जाए तो उसे हाई एब्सोल्यूट नर्स न्यूट्रोफिल्स काउंसिल कहते हैं। अब ब्लड में न्यूट्रोफिल्स की संख्या बहुत ज़्यादा मात्राएं बढ़ जाएगी तो उससे बहुत सारे डिजीज़ हो जाएंगे। तो हम पढ़ेंगे हाई लेवल ऑफ न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स के बढ़ने के कारण। न्यूट्रोफिल्स की संख्या अगर ब्लड में बढ़ी हुई है तो उससे बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शंस होंगे, इंजुरीज होगी और बहुत सारे स्ट्रेस होंगे, अलग अलग प्रकार के फिजिकली और इमोशनली स्ट्रेस हो जाएंगे। अब देखो, जब ब्लड में न्यूट्रोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है तो उसे हम न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। न्यूट्रोफिलिया का एक और नाम होता है न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस। अब देखो, जब ये लोगों को न्यूट्रोफिलिया हो जाते हैं तो वो लोगों को तो सबसे पहले तो कुछ कैंसर हो जाते हैं और उसके साथ साथ लोगों फिजिकल और इमोशनली स्ट्रेस खो देते हैं। इसके साथ साथ उसे स्मोकिंग, टोबैको, प्रेगनेंसी, एब्सेंटली, जेनेटिक कंडीशन जैसे कि डाउन सिंड्रोम डिजीज हो सकते हैं। इस तरह लोग अनेकों अनेक डिजीज से घिर सकते हैं। इसलिए इस न्यूट्रोफिलिया की डिजीज़ को कम करने के लिए और न्यूट्रोफिल्स की मात्रा को बैलेंस बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन बी ट्वेल्व का सेवन करना चाहिए। विटामिन B12 ब्लड में न्यूट्रोफिल की मात्रा को कम करने का काम करता है। साथ ही साथ फूड में जैसे राइस, एग, मिल्क, बटर, घी एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करना चाहिए। ये सभी प्रोडक्ट्स न्यूट्रोफिल्स की मात्रा को मेंटेन करने का काम करते हैं, साथ ही साथ इसे लो करने का काम करते हैं। अब है मेरा लो लेवल ऑफ न्यूट्रोफिल्स, मतलब जब ब्लड में न्यूट्रोफिल्स की मात्रा कम हो जाती है तो उसे सबसे पहले हम ब्लड में जब न्यूट्रोफिल्स की मात्रा बहुत कम हो जाती है, कम से कम 500, तो उसे हम न्यूट्रोपीनिया कहते हैं। जब ब्लड में न्यूट्रोफिल्स की मात्रा बहुत कम हो जाती है तो उसे हम न्यूट्रोपीनिया कहते हैं। इससे भी बहुत सारे डिजीज होते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा जो कि वायरल इन्फेक्शन डिजीज़ हैं, ट्यूबरक्लोसिस जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज़ हैं एंड माइलो
फाइब्रोसिस, विटामिन B12 डिफिशियंसी एंड एनीमिया, ये सभी लो लेवल ऑफ न्यूट्रोफिल्स डिजीज है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स में।